तो मूवी की शुरू में हम एक सेलर एल्केनो को देखते हैं जो यंग होने के साथ साथ थोड़ा लापरवाह भी है। वो हमेशा से एक कामयाब कैप्टन बनना चाहता था, लेकिन शिप के नाम पर उसके पास बस एक छोटी सी बोट है और इसी से वो अपना गुजारा चलाता है। आज भी वो एक रॉयल एडवोकेट को लेकर सेविल सिटी की ओर जा रहा है, लेकिन वो उनकी बोट की हालत देखकर बहुत डरा हुआ होता है और कहता है कि तुम्हें हायर करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आगे का सीन सेविल सिटी का है, जहां हम एक फेमस एक्सप्लोरर मेजलिन को देखते हैं। कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे अच्छा सेलर है और उसके पास एक ऐसा मैप है जिससे वो समुद्र के सभी रास्ते जानता है। आज वो अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाला है जिसमें वो मालुकु आइलैंड से मसाले खरीद कर लाएंगे और यहाँ वो अपने शिप्स के लिए नए सेलर्स ढूंढ रहा है। वो अपने लोगों से जल्दी करने को कहता है, लेकिन पता चलता है कि वो सब उस रॉयल एडवोकेट का वेट कर रहे हैं क्योंकि वही है जो सेलर्स के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने वाला है। तभी पोर्ट पर एक दूसरा शिप आकर रुकता है जो असल में पोर्चुगल के एम्बेसडर अल्वेरो का शिप है और वो मेजलिन को वार्न करता है कि तुम इस जर्नी पर नहीं जा सकते। वो बताता है कि मालुकु जाने वाला रास्ता पोर्चुगल में पड़ता है और वहाँ से सिर्फ हमारे शिप ही गुजर सकते हैं। दूसरे कैप्टन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि इसका फायदा उठाकर पोर्चुगल वाले मसालों को दुगने रेट पर बेचते हैं और दूसरे मर्चेंट्स को बिल्कुल मौका नहीं मिलता। तब मेजलिन कहता है कि अगर ऐसा है तो हम ईस्ट की बजाय वेस्ट से मालुकु जाएंगे और ये सुनकर सभी सेलर परेशान हो जाते हैं क्योंकि आज तक किसी ने भी उस दिशा से ट्रेवल नहीं किया है और वो नहीं जानते कि वहाँ उनके सामने कैसे खतरे आने वाले हैं। अल्वेरो भी कहता है कि ये तो सुसाइड करने के बराबर है, लेकिन मेजलिन पर भरोसा करके सेलर्स उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। अल्वेरो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो धमकी देता है कि जल्दी ही मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर वो यागो नाम के एक जासूस को हायर करता है और कहता है कि मेजलिन के पास एक यूनिवर्सल मैप है और अगर तुम उसे चुरा लो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तभी वो एक बोट को तेजी से पोर्ट की ओर आते हुए देखते हैं और पता चलता है कि ये एल्केनो है। इधर उधर टकराता हुआ वो किसी तरह बोट को डेक तक ले आता है, लेकिन देखता है कि रॉयल सोल्जर्स उसे अरेस्ट करने आए हैं। एल्केनो ने रॉयल बैंक से काफी सारा लोन लिया था, लेकिन काम ना होने के कारण वो उसे रीपे नहीं कर पाया और इसके बदले वो उसकी बोट छीनना चाहते हैं। एल्केनो कहता है कि इस तरह तो मैं लोन कभी नहीं चुका पाऊंगा और तुम्हें मुझ पर थोड़ी दया दिखानी चाहिए, लेकिन बैंक मैनेजर सोल्जर से उसे भी अरेस्ट करने को कहता है। एल्केनो ये सुनकर वहाँ से भाग जाता है और सोल्जर्स उसे पकड़ने उसके पीछे लग जाते हैं। तब एक लड़की उसे बताती है कि तुम्हें मेजलिन की जर्नी के लिए साइन अप कर लेना चाहिए क्योंकि इससे सोल्जर्स तुम्हें अरेस्ट नहीं कर पाएंगे, और एल्केनो भी उसकी बात मान जाता है। लेकिन वो एडवोकेट उसे रजिस्टर करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम जैसा लापरवाह इंसान इस मिशन पर नहीं जा सकता। तब मेजलिन कहता है कि मैंने इस लड़के में कुछ खास देखा है और उसे अपने कंसेप्शन नाम के शिप पर काम पर रख लेता है जिसका कैप्टन जॉन नाम का एक बूढ़ा आदमी है। सोल्जर्स भी उसे अरेस्ट नहीं कर पाते और यही हम देखते हैं कि उस जासूस यागो ने भी जर्नी को ज्वाइन कर लिया है। रात को वह एल्वेरो से मिलने जाता है और उसे बताता है कि मेजलिन के अलावा मैप के बारे में कोई नहीं जानता और उन्हें शायद उसे जान से मारना होगा। अल्वेरो उसे कोई भी तरीका अपनाने को कहता है और खुद जल्दी से मालुकु आइलैंड जाना चाहता है ताकि मेजलिन से पहले वहाँ पहुँच सके। एक कारपेंटर उसे फोन करता है कि उसका शिप साइट से डैमेज हो चुका है, लेकिन अल्वेरो उसकी एक नहीं सुनता और मालुकु आइलैंड के लिए निकल पड़ता है। इधर मेजलिन भी अपने पांचों शिप लेकर अपनी जर्नी शुरू करता है और सिटी के लोग भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। रात को मेजलिन कैप्टन्स की एक मीटिंग बुलाता है और उन्हें समझाता है कि जर्नी में हमें एक दूसरे का साथ देना होगा और तभी हम इस मुश्किल रास्ते को पार कर सकते हैं। जॉन यहाँ उससे उस मैप के बारे में पूछता है और कहता है कि कैप्टन होने के नाते हमें भी उसे देखने का पूरा हक है, लेकिन मेजलिन इससे इनकार कर देता है क्योंकि उसे डर है कि इसमें मैप के चोरी होने का खतरा है और इसीलिए उसका शिप आगे रहकर बाकी शिप्स को लीड करने वाला है। कैप्टेंस को लगता है कि कहीं रात को उनके शिप्स भटक ना जाएं, और तब मेजलिन आइडिया देता है कि हर रात वो अपने शिप पर एक लालटेन लगाएगा और बाकी शिप्स भी ऐसा ही करेंगे ताकि पीछे वाले शिप्स उन्हें आसानी से फॉलो कर सके। वो उन्हें खुद पर विश्वास रखने को कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि जॉन को इससे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। इसी तरह वो मेजलिन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और जॉन गुस्से में एल्केनो को नाइट शिफ्ट पर लगा देता है। 5 दिन ऐसे ही आगे बढ़ते हुए उनके शिप अचानक से एक तूफान में फंस जाते हैं और एल्केनो को लगता है कि ये अपनी स्किल्स दिखाने का अच्छा मौका है।
वो तेजी से अपने शिप को आगे की ओर ले जाने लगता है और ये देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है। तब वल्केनो उन्हें दिखाता है कि सामने उन्हें जमीन नजर आ रही है और मैसलिन समझ जाता है कि ये साउथ अमेरिका का ब्राजील देश है। फिर बोट लेकर वो जमीन की ओर जाते हैं ताकि आने वाली जर्नी के लिए खाना पानी इकट्ठा कर सके और यहाँ उनका सामना एक कबीले से होता है। कबीले वाले भी पहले तो उन्हें देखकर चौंक जाते हैं लेकिन फिर जल्दी ही उनमें दोस्ती हो जाती है और वो लोग आपस में काफी सारा ट्रेड करते हैं। यही जॉन दूसरे कैप्टन को भड़काने की कोशिश करता है कि मैसलिन खुद भी पोर्चुगल से है और कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें किसी ट्रैप में फंसा दे। वो मैसलिन से उस मैप को अपने कब्जे में लेने को कहता है लेकिन बाकी कैप्टन को लगता है कि उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और वो इस बारे में और सोचने को कहते हैं। यागो भी छुपकर उनकी बातें सुन लेता है और उसे लगता है कि इनमें फूट डालकर ही मैं उस मैप को हासिल कर सकता हूँ। वहाँ से निकलकर वो साउथ की ओर जाने लगते हैं लेकिन गर्मी का मौसम होने के बावजूद समुद्र में ठंड और फॉग बढ़ती जा रही है। उन्हें ये बात कुछ समझ नहीं आती और तब वल्केनो बताता है कि हमने जरूर इक्वेटर को पार कर लिया है और इसीलिए मौसम बदल गए हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक कैनाल नजर आती है और मैसलिन को लगता है कि ये शायद मालुकू आइलैंड जाने का रास्ता है। चेक करने के लिए वो वल्केनो की शिप को आगे भेजता है लेकिन वो देखते हैं कि ये कैनाल नहीं बल्कि एक फ्रेश वाटर की रिवर है। जॉन ये न्यूज देने के लिए वल्केनो को मैसलिन के शिप पर भेजता है और खुद छुपकर दूसरे कैप्टन से बात करने जाता है। अब बाकी कैप्टन को भी लगने लगा था कि मैसलिन शायद उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है और वो सब प्लान बनाते हैं कि सही टाइम आते ही वो सब वापस मुड़ जाएंगे। आगे बढ़ते हुए हालत और बिगड़ने लगती है और वो देखते हैं कि समुद्र का पानी भी ठंड से जमने लगा है। लगभग 5 महीने तक वो लोग वहीं फंसे रहते हैं और इसका असर उनके शरीर पर भी होने लगता है। फिर फाइनली विंटर सीजन खत्म हो जाता है और वो सब एक बार फिर अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। जॉन के सब्र का बांध भी टूट जाता है और अपने कुछ लोगों को लेकर वो मैसलिन के शिप पर उससे बात करने जाता है। वहाँ वो उसके साथियों को बंदी बना लेते हैं और कहते हैं कि अब इस शिप पर हमारा कब्जा है। मैसलिन को भी उनसे इस धोखे की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी लेकिन जॉन उसकी एक नहीं सुनता और उसे भी अपना होस्टेज बना लेता है। यागो को उसकी टेबल पर एक मैप दिखाई देता है लेकिन पता चलता है कि ये तो बाकियों के जैसा एक नॉर्मल मैप है और इसमें आगे जाने का कोई रास्ता नहीं लिखा। जॉन मैसलिन से असली मैप के बारे में पूछता है और वो बताता है कि वो रास्ता तो मेरे माइंड में छपा हुआ है और मैं अभी भी तुम्हें वहाँ तक ले जा सकता हूँ। ये सुनकर जॉन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो कहता है कि अब से मैं इस शिप का एडमिरल हूँ और हम लोग अभी वापस सेवल सिटी जा रहे हैं। तब एक कैप्टन उसे बताता है कि हम मैसलिन को जिंदा नहीं छोड़ सकते क्योंकि सिटी के लोग इसे हीरो मानते हैं और ये सोचकर वो रास्ते में उसे मारने का प्लान बनाते हैं। तभी लहरें उनके एक शिप को चट्टानों के पास ले जाती हैं और वो उनसे टकराकर डूब जाता है। मैसलिन उन्हें समझाता है कि ये वक्त आपस में लड़ने का बिल्कुल नहीं है और उन्हें बस यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तभी नेविगेटर को सामने एक और कनाल दिखाई देती है और मैसलिन समझ जाता है कि यही उनके बाहर जाने का रास्ता है। वो बाकी कैप्टन को भी खुद पर भरोसा रखने को कहता है लेकिन यागो उसकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं होता। तब वल्केनो उन्हें समझाता है कि मैसलिन ने हमें सेफ रखने का प्रॉमिस किया था और वही हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। कुछ दूसरे कैप्टन भी उसकी बात से एग्री होते हैं लेकिन जॉन कहता है कि मैं अपना शिप लेकर वापस जा रहा हूँ। तब सोल्जर्स बगावत के लिए उसे अरेस्ट कर लेते हैं और ये देखकर एक दूसरा कैप्टन अपने लोगों के साथ भाग जाता है। मैसलिन भी उन्हें रोकने से मना कर देता है और कहता है कि वैसे भी हमें धोखेबाजों की कोई जरूरत नहीं है। फिर सोल्जर्स उससे जॉन के बारे में पूछते हैं जिस पर मैसलिन कहता है कि मैं कोई खून खराबा नहीं करना चाहता और इसे भी एक बोट में डालकर समुद्र में छोड़ दो और अगर ये लकी निकला तो अपने आप वापस घर पहुंच जाएगा। वो लोग जॉन को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और वो इसके लिए उन्हें बहुत बद्दुआएं देता है। फिर वो उस नए कैनाल को क्रॉस करने लगते हैं और देखते हैं कि ये जगह शिप्स के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता। रास्ते में उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है लेकिन वो हार बिल्कुल नहीं मानते और 40 दिन बाद फाइनली उस कैनाल को क्रॉस कर लेते हैं। खुला समुद्र देखकर उनमें फिर से जोश आ जाता है और मैसलिन को भी लगता है कि अब शायद वो मालुकू आइलैंड पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो सब इस वक्त पैसिफिक ओशियन में है जहाँ हजारों किलोमीटर तक कोई जमीन नहीं है और लगभग 4 महीने ट्रेवल करने के बाद उनके खाने पीने का सारा सामान खत्म हो जाता है।
भूख से परेशान वो लेदर और पेपर खाने लगते हैं और पीने के लिए भी गंदे पानी के अलावा कुछ नहीं बचता। फिर एक दिन अचानक सामने उन्हें जमीन नजर आती है और उन्हें लगता है कि यही शायद वो मालुकु आइलैंड है। वहाँ उनका सामना एक और कबीले से होता है जिनकी प्रिंसेस है समर नाम की एक लड़की, और वो उन्हें बताती है कि ये मालुकु नहीं बल्कि सेबू कबीले का इलाका है। वो लोग भी उनकी बहुत खातिरदारी करते हैं और समर उन्हें कहती है कि हम तुम्हें मालुकु जाने के लिए गाइड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे दुश्मनों को एक सबक सिखाना होगा। यागो को यह सुनकर एक आइडिया आता है और वो उनके दुश्मन कबीले में जाकर पहले ही आने वाले खतरे से सावधान कर देता है। इधर मैजलिन और उसके साथी उस कबीले पर अटैक करने आते हैं, लेकिन यागो का इशारा करते ही वहाँ अचानक उन पर हमला हो जाता है। मैजलिन तुरंत उन्हें वापस शिप की ओर जाने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद वहाँ से निकल पाए, यागो गन से उसके पैर पर हिट करता है और कैप्टन के साथ बोट में वहाँ से निकल जाता है। एल्केनो मैजलिन की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन मैजलिन अपनी कैप देकर उसे वहाँ से भागने को कहता है। तभी वो समर को आते हुए देखते हैं, जो एल्केनो को बचाकर वापस ले जाती है और कबीले वाले मैजलिन को मार डालते हैं। शिप पर आते ही वो यागो को अरेस्ट करा देता है और बाकी सेलर एल्केनो को ही अपना नया कैप्टन चुन लेते हैं। वो मैजलिन के मिशन को पूरा करने की कसम खाता है और बचे हुए दोनों शिप लेकर वो आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ता दिखाने में समर उनकी मदद करेगी। फिर वो जल्द ही मालुकु आइलैंड पहुँच जाते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। वहाँ वो किंग को अपनी लाई हुई चीजें गिफ्ट करते हैं और वो भी उनके साथ ट्रेड करने को तैयार हो जाता है। आगे हम उन्हें अपने लिए मसाले खरीदते हुए देखते हैं और तभी एक सेलर एल्केनो को बताता है कि पोर्चुगल वाले मालुकु को अपना इलाका मानते हैं और कभी भी यहाँ आकर तुम्हें अरेस्ट कर सकते हैं। एल्केनो शिप को तेजी से लोड करने को कहता है और बताता है कि इस बार हम नॉर्मल रूट से वापस जाएंगे ताकि जल्दी से वापस अपनी सिटी तक पहुँच सके। समर एल्केनो को अपने साथ रुकने को कहती है, लेकिन वो बताता है कि मुझे मैजलिन के सपने को पूरा करना है और अपने साथियों को वापस उनके घर तक ले जाना है। समर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और एल्केनो को समझ नहीं आता कि आखिर वो उसे कैसे समझाए। फिर अगली सुबह वो वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन देखते हैं कि दूसरे शिप में क्रैक आ गए हैं। तब एक सेलर उन्हें बताता है कि एल्वेरो का शिप डॉक में पहुँचने ही वाला है और हम यहाँ शिप और तुम्हारे लोगों का पूरा ध्यान रखेंगे। ये सुनकर एल्केनो अपने लोगों से जल्दी करने को कहता है और तभी वो देखता है कि समर भागते हुए यहीं आ रही है। वो एल्केनो को केप ऑफ स्टॉर्म से सावधान रहने को कहती है और उसे प्रॉमिस लेती है कि काम खत्म होते ही वो वापस आ जाएगा। अगले कुछ महीनों तक वो इसी तरह ट्रेवल करते हैं और फिर एक दिन उनका सामना उस केप ऑफ स्टॉर्म से होता है। वो देखते हैं कि यहाँ पानी की गहराई बहुत कम है और उसे समर की वार्निंग याद आती है कि उन्हें शिप को किनारे से दूर रखना है। वो किसी तरह शिप को किनारे से दूर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ उनका सामना हजारों फुट ऊंची लहरों से होता है। किस्मत इस बार भी एल्केनो का पूरा साथ देती है और वो लोग उस कैनाल से सही सलामत बाहर निकल आते हैं। उनका अगला स्टॉप है केप वर्डे नाम का आइलैंड, जहाँ से वो अपने खाने पीने का सामान लेने वाले हैं। लेकिन एक सेलर बताता है कि ये जगह भी पोर्चुगल के अंडर है और हमें यहाँ सावधान रहना होगा। वो लोग वहाँ के गवर्नर से झूठ बोलते हैं कि हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे और तूफान के कारण हमारा सारा सामान खराब हो गया। इधर यागो चालाकी से खुद को बाहर निकाल लेता है और उन्हें बताता है कि ये लोग मालुकु आइलैंड से मसाले लेकर आए हैं। ये सुनकर गवर्नर उन सबको पकड़ने का ऑर्डर देता है और एल्केनो और उसके साथी बचकर भागने लगते हैं। उनका पीछा करते हुए एल्वेरो भी केव वर्डे पहुंच जाता है और कहता है कि अब मैं इन्हें यहाँ से नहीं निकलने दूंगा। वो लोग उन पर अपनी कैनन से अटैक करते हैं और गवर्नर भी अपने शिप से उन्हें घेर लेता है। एल्केनो किसी तरह गवर्नर के शिप को मात दे देता है और उधर यागो भी बचकर एल्वेरो के पास आ जाता है। जल्दी ही एल्केनो और एल्वेरो के शिप आमने सामने आ जाते हैं और उनके लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी एल्केनो की नजर एल्वेरो के शिप के क्रैक पर पड़ती है और वो ऐसी जगह बना हुआ है जहाँ ज्यादातर शिप अपना गन पाउडर स्टोर करते हैं। उसका आदमी अपनी कैनन से उस जगह को टारगेट करता है और उससे हुए धमाके से एल्वेरो का शिप डूबने लगता है। एल्वेरो के लोग अपनी जान बचाने में लग जाते हैं और एल्केनो अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। जल्दी ही वो लोग सेविल सिटी के करीब पहुंच जाते हैं और एल्केनो वो इंसान बन जाता है जिसने समुद्र के रास्ते अर्थ का पूरा चक्कर लगाया है। लोग भी उन्हें वापस देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।